कोरोना काल में लॉकडाउन से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, साथ ही शिक्षा विभाग का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शिक्षा से जुड़े मामलों को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षक संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिससे करीब 50 से अधिक शिक्षक संगठनों से और पदाधिकारियों से मंत्री जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और आवश्यक नवाचारों को लेकर चर्चा की। इस बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने परीक्षाएं आयोजित करवाने का सुझाव दिया है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण में ड्यूटी कर चुके शिक्षकों को फ्री करने का आदेश जारी कर दिया जाए, लेकिन शिक्षकों के सामने ग्रीष्मकालीन अवकाश में घर जाने की समस्या आ रही है। शिक्षक संगठनों की तरफ से सुझाव आया था कि काफी जो माइनॉरिटी के भाई हैं, शिक्षक हैं, वो 25 तारीख तक रोजे पे हैं, तो उनकी ड्यूटी नहीं लगाया जाए। तो निश्चित रूप से महिलाओं की या रोजेदारों की ड्यूटी लगाने के बारे में भी हम इसमें हमारे पीओज को निर्देशित करेंगे कि उनको कोई तरीके की असुविधा नहीं हो। दूसरा, प्रवेश शो के बारे में भी बात हुई है, नए लोगों के एडमिशन के बारे में, तो हमने कहा है अभी से एडमिशन चालू है और ऑनलाइन एडमिशन बच्चों के नए प्रवेश हों, इस प्रकार की भी डिमांड से शिक्षक संगठनों ने की है, तो इसके बारे में भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। एक जो नई नियुक्ति LDC की हो रही है, उसमें सभी शिक्षक संगठनों की ओर से ये कहा गया है कि ऑफिसेज में और शहर में नज़दीक में पुराने लोगों को रखा जाए जो पहले से कार्यरत हैं, नए लोगों को ग्रामीण इलाके में नियुक्ति दी जाए, जिससे जो रिटायरमेंट के नज़दीक लोग हैं उनको ज़्यादा असुविधा नहीं हो। तो इस बात को भी हम लोग